अंग्रेजों की हुकूमत के समय 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक एक यात्रा निकाली थी और उस यात्रा का उद्देश्य था नमक कर के विरोध में, नमक टैक्स नहीं चुकाएंगे उसके विरोध में गांधी जी ने ये एक आंदोलन छेड़ा था। आज यदि बात करें वो 12 मार्च 1930 था, आज 12 मार्च 2024 है, बस आंकड़ों का फ़र्क है परंतु स्थितियाँ सेम है। आटे पे टैक्स लग गया, खाटे पे टैक्स लग गया, लस्सी पे टैक्स लग गया, एक आम आदमी की जो मूलभूत सुविधा होती है उस पर टैक्स लग गया। अब वह परिस्थितियाँ खड़ी हो गई है कि सरकार के खिलाफ हम कहेंगे कि हम इस प्रकार का टैक्स नहीं देंगे। इसी दिन को हमने पुनः आज़ाद किया और जनता में एक नई तरीके से जागृति देने की कोशिश की है कि सरकार ने टैक्स के बहाने इस देश को लूट लिया, इस देश को उसी तरीके से लेके चल रहे हैं जिस तरीके से अंग्रेज़ लेके चल रहे थे। अब खूब हो गई इनकी मारामारी खूब हो गई। अब इस मारामारी से हमें बचना है और इस देश को बचाना है, इस देश के गरीब को, मजदूर को, किसान को, महिला को बचाना है। इसी उद्देश्य से इस दांडी यात्रा की स्मृति में पद यात्रा की थी। आज 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा निकाली थी, दांडी नमक यात्रा। उस वक्त अंग्रेजों के जो शासन था उस कुशासन के खिलाफ, और आज 12 मार्च है, कांग्रेसियों द्वारा आज वही यात्रा निकाली गई है। उस समय गांधी जी के जो नीतियाँ थी, जो अहिंसा पे चल के उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो अहिंसा का मार्ग अपनाया था और देश को आज़ाद करवाया, आज़ादी में एक सहयोग दिया था, उसी तरह उस समय अंग्रेजों का शासन कुशासन था और आज मोदी जी का कुशासन है। जो मोदी जी का कुशासन है उसमें आप देख सकते हो अलग अलग टैक्स, अलग अलग गरीब जो भी गरीब लोग हैं उन पर महंगाई की मार, देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से जो आज देश निकाला पूरा गरीब का हो गया है वो सारा आज मोदी के राज से हुआ है। उसी विरोध में आज हमने अहिंसा पे, जो गांधी जी का अहिंसा का मार्ग, उसी पे चल के आज पदयात्रा की।